सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने काउंसलिंग करवा लिया है तो आपको अब आगे क्या करना है। सॉरी दोस्तों, काउंसलिंग नहीं, अगर आपने कॉलेज अलाटमेंट लेटर जो है, कॉलेज जो है अलाट कर लिया है, मतलब आपने लॉक कर लिया है कॉलेज के, तो आपको अब आगे क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपने कॉलेज प्रिफरेंस भर दिया है तो आपको आगे क्या करना है, और अगर आपके कॉलेज लॉक नहीं हो पा रहे हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए, अगर आपके आईडी नहीं पता चल रहे हैं, आपके पासवर्ड नहीं पता चल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ ऐसा समस्या आ रहा है, आपने अगर तक अभी तक कॉलेज लॉक नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज और कमेंट्स रहते हैं तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं यहाँ पर या इंस्टाग्राम पर। मैं सबका और सबका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जा करके पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ, किसी का भी ऐसा नहीं मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ नया है और क्या क्या चीज़ आपको करना है जो है कॉलेज लॉक करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अभी हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि उनका जो आईडी और पासवर्ड भूल चुका है। तो देखिए क्या करना है उनको, अगर आईडी भूल चुका है तो आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे, फॉरगेट यूजर आईडी, और अगर पासवर्ड भूल गया तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपके आईडी भूल गए हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा फॉरगेट यूजर आईडी पे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पे इंटर का जो है रोल नंबर डालेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट का रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे सर्च कैंडिडेट करेंगे तो आपके जो है आईडी मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा इस पर वीडियो बना देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पासवर्ड जो है भूल गए तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे और सेम वैसे ही आप लोग अपने इंटर का हाई स्कूल रोल नंबर डालोगे, इंटर का डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आप सर्च करोगे तो आपके जो है वो आराम से मिल जाएंगे। अब दोस्तों, हमारा जो मेन टॉपिक वो हम आते हैं आपको, जितने लोगों ने अभी कॉलेज को लॉक कर लिया है उसके बाद से आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लॉगिन आईडी जो है उसको मैं खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा एक्सिस्टिंग एप्लीकेशन साइन इन, और हालाँकि मैंने पहले से वो कर रखा है तो देखिए मेरे में वो अभी ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि आखिर इसके बाद क्या करना है। तो देखिए, आप जब खोलेंगे अपने पोर्टल को तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। दोस्तों देखिए, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कैंडिडेट का नाम आ रहा है, ठीक है, इनके जो UPSMI ID है वो आ रही है, रैंक आ रहा है, उनका सीरियल नंबर आ रहा है। आप लोग इसमें देख पा रहे हो कि मैंने कितने सारे कॉलेज लॉक किए हैं। देखिए देखिए, अगर आपको डायरेक्ट खोलते ही अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, देखिए दोस्तों अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डेट आपको सेव एंड लॉक प्रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये कि आपके इतने सारे कॉलेज जो हैं सेलेक्ट हुए हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपके यहाँ सिंपल जो है प्रिंट करके रख लेना, और कुछ भी आपको करना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं प्रिंट करने के बाद क्या करना है, तो आपको जो है प्रिंट करके रख लेना है और इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, ये तो हो गया, मैंने बता दिया आपको करना क्या है अगर हमने कॉलेज लॉक कर लिया है। तो दूसरी दोस्तों, हम मैंने बता दिया अगर आपके आईडी पासवर्ड भूल गए उसको क्या करना है। तीसरी दोस्तों, हम बात करते हैं काउंसलिंग जो है कब स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए, काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देखिए, काउंसलिंग स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, काउंसलिंग स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है वो होता है अलाटमेंट लेटर, ठीक है। अलाटमेंट लेटर जो है वो कब आता है, अलाटमेंट लेटर कब आता है, अलाटमेंट लेटर दोस्तों तब आता है जबकि कॉलेज चॉइस की जो प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। तो कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया कब तक पूरी होने वाली है, वो होने वाली है दोस्तों कितने तारीख तक, 3 तारीख तक। तो अगर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी अगर लेट नहीं करती अपने एडमिशन प्रोसीजर में, तो आपके पूरे चांसेज हैं कि 1 वीक के अंदर, ठीक है, 1 वीक के अंदर आपकी जो अलाटमेंट लेटर यूनिवर्सिटी निकाल देगी, ठीक है। अब अलाटमेंट लेटर आने के बाद आपको क्या करना है, अलाटमेंट लेटर आने के बाद आपको सिंपली अलाटमेंट लेटर जो निकलेगा उसमें आप क्या रहेंगे, नाम रहेंगे, आपके जो भी चूज हुए हैं जो कोर्स वो रहेंगे, देखिए आपके क्या रहेंगे उसमें, उसमें आपके नेम रहेंगे अलाटमेंट लेटर में, ठीक है, जो भी आपने कॉलेज चूज किया है वो रहेंगे, कॉलेज चूज किया है, ठीक है, और जब वो कॉलेज मिला है वो रहेंगे। अगर आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर अलाटमेंट लेटर आया होगा, ठीक है, तो आपके मेल पर नहीं आएगा मैसेज, आपका जो डैशबोर्ड है यहीं पे शो होगा। देखिए, आपका जो डैशबोर्ड है ना यहीं पे कहीं ना कहीं शो हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ चॉइस लाख देख रहे हैं, चॉइस प्रिंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन अलाटमेंट लेटर का शो हो जाएगा।
अगर आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया होगा तो यहाँ पे एक ब्लैक रेड कलर का लिख के आ जाएगा कि सॉरी आप जो है इस काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गए, तो ये सब चीज़ें हो गई दोस्तों जानकारियाँ। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि अब मैंने बता दिया काउंसलिंग का प्रक्रिया बता दिया दोस्तों, मैंने आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखिए बात आती है कि जब अब आप तो आपने दोस्तों कॉलेज लॉक कर ही लिया है, अब बात आती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों उसके पहले मैंने वीडियो बना रखी है कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आप लोग सिंपली गूगल में जाना और गूगल में जैसे आप लोग मेरा चैनल ओपन कर गया, तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ठीक है, तो वो फार्मा व्यू पे जैसे जाएंगे और मेरे चैनल ओपन करेंगे दोस्तों, तो आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ें शो हो रही हैं। देखिए मैंने फीस स्ट्रक्चर को लेकर के वीडियो बनाया है ठीक है, और मैंने बनाया सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो बनाया है डॉक्यूमेंट के ऊपर लेकर, ठीक है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको ये तैयार कर लेने हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है, तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट को रेडी ज़रूर करवा लो। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करवाते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। समस्या क्या हो सकती है कि जैसे ही काउंसलिंग होगा आपके डॉक्यूमेंट कोई भी सही नहीं रहेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, जाकर जरूर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, और आप लोग फीस का भी देख लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जो है फीस सेम ही लगने वाली है इस बार से। तो ये तो हो गई दोस्तों आज की इस वीडियो की जानकारी। अब दोस्तों बहुत सारे दोस्त मेरे पास कमेंट कर रहे थे, मैं आपको अपना डैशबोर्ड ओपन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे मैं सबके जो है रिप्लाई करता हूँ दोस्तों। देखिए जितने लोगों ने कमेंट किया है मैंने सबका रिप्लाई कर दिया है, और कुछ बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आते हैं, मैं उनका भी जो है रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप लोगों से एक चीज़ है, जो भी आप लोग कमेंट करते हो ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई करता ही हूँ, और कमेंट जो है जेन्युइन आप लोग कमेंट किया करें। कभी कभी ऐसा होता है कुछ ज़्यादा ही कमेंट आने लगते हैं और जो कमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है, जैसे कि आज एक किसी बच्चे ने किया था। तो दोस्तों अभी देखिए इसमें कुछ और बच्चों के आए हुए हैं कमेंट, मैं इनका भी रिप्लाई करूँगा वीडियो बना के, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में देखी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ अपने चैनल पे, और इन्फॉर्मेशन देने में वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो पर कमेंट करिए, कमेंट जो भी आपकी जिन्हें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो दोस्तों मिलेंगे हम ऐसे ही एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे हम ऐसे एक और शानदार वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।